बहुत जरूरी है यहाँ अगर पर। यहाँ के अधिकारी को ये चीज बोलते हैं तो पता है उनका जुमला क्या होता है पलट के कि मस्जिद आते क्यों। जी 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 सही बात है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। देखिए कोई झूठ झपाट नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई देखिए ना मैं किसी अधिकारी से डरता हूँ ना मैं किसी उससे डरता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के निर्माण के लिए कह रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने ये तक के कहा था यहाँ के इंचार्ज साहब से कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बताओ हमारी ये कौम है इस लायक कि इसको बनवा देगी, ठीक है। हाँ वो लिखत में दे देंगे, वो नहीं करवा पाएंगे, हम लोग करवाएंगे इसको। अभी हम आपको ऊपर की मस्जिद खोल के दिखा रहे हैं, आइए आप वीडियो चालू रखिए, ऊपर की मस्जिद खोल के आपको दिखा रहे हैं। आप खाली देखिए कि स्लेब पूरी बैठ गई है, वो तक के नहीं बनवा रहे, आइए आप ऊपर आइए। चाहिए यहाँ के अधिकारियों को कि ये कौमी के सुपुर्द कर दें बनवाने को, तो बहुत तेज़ ये काम हो जाएगा। देखिए मौलाना राशिद अस्करी साहब आइए आप ऊपर आइए, देखिए यहाँ की बोसीदा हालत और बड़ी बेकार जीने हैं कि अगर आदमी गिर जाए तो बहुत बुरी तरीके से चोट भी खा सकता है यहाँ से। ये देखिए ये स्लेब जो है पिछले चार सालों से हम लोग कह रहे हैं, मतलब ये स्लेब टूटे हुए कम से कम कुछ नहीं तो 8-9 साल से ज्यादा हो गया, एकदम बैठ गई, देख रहे अब तो दरार आ गई है। जी जी जी। लेकिन इस काम को करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और पीछे देख लिए काम चल रहा है, मस्जिद से ही पानी जाता है, ये देखिए पाइप लगा हुआ है। देखिए मस्जिद के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अपने फालतू के काम बेली गारत में बहुत तेजी में हो रहे हैं, और बराबर काम किए जाते हैं लेकिन मस्जिद के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए मस्जिद का हाल देखिए आप अंदर से दिखाइए, ये देखिए हम तो देखिए कोई चीज़ लखनऊ की बहुत कदीमी मस्जिद है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल। अंदर से देखिए चारों तरफ से टूट गए हैं, चारों तरफ से उधर भी देख ली सब जगह, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, मस्जिद के काम के लिए पैसा नहीं है। जी जी डायरेक्ट कहते थे कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं कर पाएंगे, और अगर कहो ज्यादा कहो तो कहते मस्जिद आते ही क्यों, मत आओ। पानी की टंकी देख लिया आप, एक जमाने से बोल रहे हैं कि भैया इसको चेंज करवाना है हमको, आप हमको परमिशन दो, आप लिख कर दे दो कि आप करवा लो, हमको आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद का जो निर्माण है हम लोग करवा लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप कहते हो कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप जो है लोगों से कहते हो कि हम यहाँ के इंचार्ज जो आफ्ताब हुसैन सुपरिटेंडेंट साहब है उनका एक जुमला मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पता है इतना बड़ा झूठ बोला है रमजान को लेकर के जो है उन्होंने यहाँ 300 दिन इफ्तारी भेजी, जबकि यहाँ मोमिनीन अपने पैसों से इफ्तारी लाते हैं, अपने पैसों से इफ्तारी भेजे, एक पानी के एक गिलास के शर्मिंदा नहीं हम लोग आफ्ताब हुसैन सुपरिटेंडेंट साहब के, एक गिलास पानी के शर्मिंदा नहीं हम लोग। इतनी बड़ी बात उन्होंने, एक जिम्मेदार आदमी हो के इतनी बड़ी झूठी बात कर रहे हैं, बड़ी बात बोली है। मैंने उनको फोन किया, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग दूंगा। हमसे फोन पे कह रहे हैं वो रमजान निकल गया और आपको किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। मैंने उस बंदे का नाम बताया जिससे इन्होंने कहा है, तो कह रहे थे वो फेक पत्रकार है और उन्होंने कह दिया ये वो। तो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया जब भी तो किसी ने कहा, वो तो अपने पेपर में छापने जा रहा हूँ, तो कहिए कि उसने हमसे कॉन्टेक्ट कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे ऐसी बात है, मस्जिद में जो है वो आफ्ताब हुसैन साहब भेजते हैं और आप लोग उनका नाम ही मतलब कहीं पर बता ही नहीं रहे, यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है वो भेज रहा है। हमने कहा सर हम एक गिलास पानी के शर्मिंदा नहीं है, तो हम कैसे बोल दें, बताइए ईमानदारी वाली बात हम कैसे बोल दें कि उन्होंने भेजा है। हमारी पूरी कौम खुद इस जज्बे को लेके आगे बढ़ना चाहती है कि जहाँ पर कितने ही बेचारे कमी है वो पूरी की जाए। बहुत से लोग आते हैं बाहर से, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन ये लोग अंदर एंट्री नहीं देते हैं, बाहर से ही भेज देते हैं, कहते हैं कि नहीं वो अगर अंदर जाना है तो टिकट लेके जाइए। आप ये बताइए जो मस्जिद आ रहा है नमाज पढ़ने, भाई आज आपके पास पैसा है आप टिकट ले लीजिएगा 25 रुपए का मुरव्वत में, भाई जाने दी किसको फोन करें ले लो टिकट, कल आपके पास पैसा नहीं आप क्या करिएगा, और आपकी नमाज कजा हो रही है नज़दीक में आपको यही मस्जिद पड़ रही है, और मस्जिद आने के लिए भाई कोई टिकट नहीं ले है, लेकिन ये लोग जबरन टिकट लेते हैं 25 रुपए का। और आप सोचिए कि आप अभी जल्दी आए, आप शाम में किसी टाइम आइए तो यहाँ आपको नीचे डेली भीड़ मिलेगी, और किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सब टिकट लेकर आते हैं, विदाउट टिकट कोई नहीं आता है। शियों को चाहिए कि इस पे मस्जिद पर बहुत कायदे से ध्यान दे। और आप बताइए जो आप प्रोग्राम करते थे दो अल्फाज आप भी कह दिए कि आप मौलाना अश्करी साहब आप भी आ जाइए सामने, ये बताइए अब आपका प्रोग्राम यहाँ मुसलसल जारी रहेगा जिस तरह से करते थे, करते उस तरह होगा, मौला होगी जी 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 मौला होगी उसमें, और जितना होती थी हमारे शेरा भाई हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए एक चीज़ और यहाँ एक चीज़ से और डराया जाता है आवाम को जो डराया जाता है उसकी भी एक वजह बताऊँ। जी 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 आवाम देखिए डर जाती है, उसको पता ही नहीं है कि इस चीज में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता, उसको डराया जाता है पुलिस से। जी बिल्कुल सही, अगर ज्यादा अपनी वो करोगे तो हम पुलिस बुला लेंगे, तो हम तो भैया जेल जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैं चोरी करने के लिए नहीं आ रहा हूँ यहाँ, मैं आपसे पर्सनल पैसा मांगने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल जगह पे नहीं आ रहा हूँ, भाई हमारे
नवाबिन ने जो बनाई है जगह, ठीक है, तो वो कुछ सोच के तो बनाई कि भाई हमारी आवाम को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। जी हम लोग के नवाबीन ने तो बनवाई है, सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। भाई विलायती बेगम ने तो बनवाई है ये मस्जिद। हर जुम्मे को जो है छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी फ्री रहता है। जी जी, तो आप क्या उन सबसे भी बढ़ गए कि यहाँ जो एक घंटा हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि आप वो करने नहीं देंगे? ये बहुत गलत बात है कि मस्जिद में आने के लिए इजाज़त मांगना पड़ रही है, और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मौलाना ख़तीब असगर साहब, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं? बाप, मैं यही कहूँगा कि हमारे भाई, छोटे भाई ने बड़ी बहुत हमारी मदद की है, और ये इंशाल्लाह आगे भी हम ठीक है मौला। बिल्कुल, मैं साथ में हूँ हर तरीके से, साथ में हूँ। देखिए, ये हमको जेल भेज दें, ये हमको कहीं भेज दें, ठीक है, हम उससे नहीं डरते, ना मुकदमों से डरते हैं, ना जेल से डरते हैं, ठीक है। हम हक़ की लड़ाई के लिए खड़े हैं, और हक़ के लिए हम ऐसे ही आवाज़ बुलंद करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।